भाई फर्स्ट ब्लॉग काफी लोगों का वायरल हो रहा है। हमारा तो भाई बहुत ज़्यादा वीडियो डाल भी चुके हैं, 100+ वीडियो है, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। प्लीज़ पूरा वीडियो को पूरा देखिए और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। और क्या बोलते हैं, जब हम गाड़ी के पास आ रहे हैं, गाड़ी के अंदर घुस रहे हैं, तो एक न एक इसका फोल्ड हमको दिखाई दे रहा है। सेंटर बोल्ट कटा हुआ है, हर चीज़ इसका डिफेक्ट है। मान लीजिए जो गाड़ी लाइन में चलता है उसका ये सब जितना भी इसका गैप है, हर जगह वेल्डिंग छोड़ा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे ऐसे पूरा पट्टी में छोड़ा हुआ है। तो आज फ़ोन करके बुलाते हैं इस गाड़ी के ओनर को और उनसे कहा जाएगा कि भाई जब नंबर नहीं पड़ रहा है तो आप काम करवाइए, और नहीं काम करवाइएगा तो हमारा हिसाब दीजिए, हम अपना दूसरा देखेंगे। तो ऐसे मान लीजिए धर्म करम तो चलने वाला है नहीं, गाड़ी खड़ा है आपका, हम गाड़ी आपका गार्ड तो है नहीं कि गाड़ी खड़ा है, गाड़ी आपका देखेंगे और बैठे रहेंगे गाड़ी में, हमारा भी तो भाई पेट है। पूरा देखिए दोस्तों और हमें सपोर्ट कीजिए। ओके बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज 12 दिन हो गया दोस्तों, 12 दिन हो गया, 12 दिन से परेशान है, ना ही नंबर पड़ रहा है ना ही कहीं का और माल मिल रहा है। 12 दिन बहुत हो जाता है, अभी कितना दिन खड़ा होंगे, क्या होगा, कोई उसका गारंटी नहीं है। एक होता है कि चलो उम्मीद पर आदमी है, इतने तारीख को पड़ेगा, सीरियल पड़ भी रहा है तो कट जा रहा है नंबर, इसलिए कि हमारा डॉक्यूमेंट फेल है और हम परेशान हो गए हैं। हम कल के वीडियो में आपको बताया भी थे, पिछले वीडियो में, कि गाड़ी का ये काम है, ये बम्फर भी हमको वेल्डिंग करवाना था, ये जो कटा हुआ था पिछले ट्रिप में, और फर्श वर्श ये सब टूटा हुआ है। तो मालिक ऐसे हमारे हैं कि भाई लेके जा नहीं रहे हैं, गाड़ी लेके जाएं काम हम करवाएं तो का वो गाड़ी लेके जा नहीं रहे हैं और ना ही काम हो रहा है, और हमारा गाड़ी डिटेन हो रहा है यहाँ पे, खड़ा है बिना काम का खड़ा हुआ है यहाँ पे। इतना दिमाग खराब हो रहा है, करें तो क्या करें। अभी थोड़ी देर आधा एक घंटा के बाद फिर फ़ोन करेंगे, बुलाएंगे उनको कि भाई बताइए, गाड़ी जब आपका नंबर नहीं पड़ रहा है तो गाड़ी का काम हम करवा लीजिए, देखो क्या होता है। जब हम बुला रहे हैं और बता रहे हैं तो कोई ना कोई बहाना बना दे रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। मान लीजिए जब से हम खड़े हैं तब से हमारे साथ का गाड़ी दो दो तीन ट्रिप कर लिया, और हम खड़े हैं तो खड़े ही हैं। रात में खाना वाना बनाए थे दोस्तों, देखिए बर्तन वर्तन सब धोआ गया, सिपाही जी धो धा के रेडी कर दिए। अब जा रहे हैं हम लोग मार्केट में, देखा जाए कोई सब्जी वब्जी मिल रहा है तो लाएंगे, क्योंकि अब इनका तो गाड़ी लोड हो चुका है, रात में लोड करके निकले थे, तो ये एक दो घंटा में इनका ओबिल ओबिल सब मिल जाएगा तो ये निकल जाएंगे। और उसी बीच अगर मिल गया कोई सब्जी वब्जी जा रहे हैं हम लोग देखने के लिए वही बेल्ट लाइन के पास में, तो बना उना के उसके बाद ये निकलेंगे और हमारा भी काम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बर्तन वर्तन तो है नहीं। तो चलिए देखा जाता है क्या मिलता है क्या नहीं। गाड़ी धोआ जाए ना, पिए के जब पानी नहीं खे मिलत, अब पानी किन किन के गाड़ी धोआता है, खूब कारबा। तो हर हुकुए में सील मारा गया है ना, हो देख सकते हैं दोस्तों, सिपाही जी लोड करके रात में आए, अभी गाड़ी धो रहे हैं, यहाँ पानी का दिक्कत है फिर भी बेचारे धो रहे हैं गाड़ी, अपना साफ सुथरा गाड़ी रख रहे हैं। हमारा तो आज 12 दिन हो गया, करें तो क्या करें। परसों मालिक बोला था कि कहीं ना कहीं लोड होगा, तो हम भी उस दिन धोए थे गाड़ी, उसके बाद बोल रहा है कि नंबर नहीं पड़ रहा है, क्या करें क्या ना करें। अब देखिए आगे क्या होता है, हम भी तो टेंशन में हैं, करा जाए तो क्या करा जाए। स्टेपनी ना है का हो,